निकलो क्या चलिए देखिए होगो हम तुमसे कह रहे हैं यार भाई यार चले जाओ तुम तो नहीं लिया हमारे तुम ठीक है हाँ ठीक है ठीक मध्य प्रदेश के सागर जिले के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश से जल भराव के हालात बने हुए हैं। जिले के सभी छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं। बिना नदी के उफान पर होने से राहतगढ़ नगर के निचले वार्डों में जल भराव की स्थिति बन गई है। आलम यह है कि सड़कों घरों और नदी किनारों चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जिसमें आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सागर भोपाल रोड में नाले उफान पर रहने के कुछ वक्त के लिए यातायात भी बाधित रहा। कल रात 12 बजे से ही ये भीषण बारिश हो रही है हमारे क्षेत्र में ही, जिससे कि काफी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। निचले स्तर के जो निचले बस्तियों में जो घर हैं उनमें पानी तक जा रहा है, पहली पहली मंजिल तक पानी जा रहा है। लोग अपने घरों को खाली करने पर मजबूर हो गए हैं। प्रशासन यहाँ देखने को ही नहीं मिल रहा है, प्रशासन की जो बेरुखी देखने को मिल रही है, अभी तक वो सख्ती नहीं हुआ, जागा ही नहीं है कि यहाँ आके देखें कि कितना पानी कहाँ आ चुका है। आप पीछे भी देख रहे हैं कितनी जोड़ों से बाढ़ आ चुकी है राहतगढ़ बीना नदी में, लेकिन प्रशासन को कोई खबर ही नहीं है। हम लोग यहाँ आके लगे हुए हैं, हमारे मित्रगण यहाँ आए हुए हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं। प्रशासन को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए और मोर्चा संभालना चाहिए। 48 घंटे भारी बारिश की संभावना है, इसके देखते हुए अभी खतरा कई क्षण है। अभी नदी बढ़ती जा रही है और प्रशासन ने अभी तक कोई नया ढोण बनवाई ना कोई मदद के लिए अभी तक आया, कोई प्रशासन अधिकारी नहीं पहुंचा अभी, नहीं कोई अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया, किसी ने कोई मतलब ऐसे कम से कम बहुत से मकानों में पानी प्रवेश कर चुका है। सामान गरीबों लोगों को बहुत नुकसान, 83 के बाद पहली बार आया, 83 के बाद 83 के बाद